मियां साहब ने किसी बिलियनियर को और किसी ऐसे इंसान को टिकट नहीं दिया जो खरीदो फरोख का माहिर हो। ये है असल तब्दीली, बाकी जो खेल खेला जाएगा वो कौम के सामने आ जाएगा। जो मैं हालात देख रही हूँ, ये ना हो कि सेनेट इलेक्शंस के दौरान ही अदम एतमाद हो जाए। कि बैक डोर रबतों की जरूरत उनको है जो इस वक्त मुश्किल में है। PDM को या PMLN को माशाल्लाह बैक डोर रबतों की जरूरत। इमरान खान को पार्टी में एक शख्स ऐसा ना मिला जिसे टिकट देते। अरब खरब पतियों को टिकट देने का मतलब है अपने पैसे से वोट खरीदो। ये ना हो सेनेट इंतखाबात के दौरान ही तहरीक अदम एतमाद आ जाए। मरियम नवाज की वजीर आजम पर शदीद तनकीद, कहती हैं अपोजिशन को बैक डोर रबतों की जरूरत नहीं, घर आकर कोई भी पेशकश करे बाहर नहीं जाऊंगी। मरियम नवाज का काफिला वजीराबाद पहुंच गया। सीनेट टिकटों की तकसीम पर PTI में शदीद इख्तलाफात। बलोचिस्तान के बाद सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा फट पड़े। फैसल वावड़ा और सैफुल्ला आबड़ू को टिकट क्यों दिए? सिंध के नाराज अरकान ने गवर्नर को खत लिख दिया। डॉक्टर आमिर लियाकत ने हफीज शेख को वोट देने से इनकार कर दिया। फैसल सलीम और नजीउल्ला खट्टक के नाम पर खैबर पख्तूनख्वा के खिलाड़ियों का पारा हाई। बड़े ऐवान के लिए बड़ा मुकाबला। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म। कल इब्तदाई उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी होगी। सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग 3 मार्च को होगी। फैसल वावड़ा ने भी सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कहते हैं पार्टी में इख्तलाफात होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। दोहरी शहरियत का केस अदालत में है, इस पर राय नहीं दे सकता। ओपन बैलेटिंग केस में इलेक्शन कमिश्नर और तमाम मेंबरान कल सुप्रीम कोर्ट तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन खुफिया हो मगर शिकायत पर जांच पड़ताल हो सके। उमूमी तासुर है कि सेनेट इंतखाबात में करप्ट प्रैक्टिस होती है। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा करप्ट प्रैक्टिस की रोकथाम इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है। महंगाई की नॉन स्टॉप उड़ान, रिलीफ देने के हुकूमती दावे ठुस। रवा हफ्ते भी आटा और चीनी महंगी। आटे का 20 किलो का थैला 366 रुपए तक महंगा। हैदराबाद में थैला 1360 रुपए तक पहुंच गया। चीनी 5 रुपए किलो महंगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पिशावर में चीनी की एक बार फिर सेंचुरी। आवाम पर फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां। पेट्रोल की कीमत मुसलसल छठी बार बढ़ने का इम्कान। कीमत में 16 रुपए फी लीटर इजाफे की तजवीज। समरी अरसाल, वजीर आजम आज कीमतों में इजाफे का हतमी फैसला करेंगे। जस्टिस काजी फायज ईसा की किसी भी बेंच का हिस्सा बनने से माजरत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम जस्टिस फायज ईसा का खत। जस्टिस फायज ईसा तरक्याती फंड से मुतालिक केस में इख्तलाफी नोट भी तहरीर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत से कटास राज मंदिर का इंतजाम वापस ले लिया। चीफ जस्टिस से रिमार्क दिए, अदालती नोटिस मिलते ही काबीना मीटिंग क्यों रखी गई? पर लाभ मंदिर के हवाले से खत लिखकर कौन सा तीर मारा? पाकिस्तान हिंदू काउंसिल बताए 38 मिलियन रुपए कहां खर्च हुए। करक में समाधि की असर नौ तामीर से मुतालिक रिपोर्ट तलब। अली सतपारा और दो साथी कोहपेमा कहां खो गए? अभी तक सुराग न मिला। पाक फौज ने F-16 तैयारों से इलाके की सर्चिंग में मदद की। आइसलैंड के सैटेलाइट ने जदीद टेक्नोलॉजी से इलाके की तस्वीर बनाई। नेशनल स्टेडियम कराची PSL के रंग में रंग गया। तमाम कप्तान और खिलाड़ियों के बैनर आवेजा। पिशावर जलमी, मुल्तान सुल्तान्स और कराची किंग्स की प्रैक्टिस। PSL 6 का आगाज 20 फरवरी से होगा। म्यांमार में फिर इंटरनेट सर्विस बंद। फौजी बगावत के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन पर क्रैकडाउन के लिए अहलकार तैनात। फौज का गाड़ियों और टैंकों पर गश्त। क्रैकडाउन के बावजूद आवाम सरापा एहतजाज। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कम निकले। मिर्जा गालिब को बिछड़े 152 बरस बीत गए। गालिब उर्दू अदब में हमेशा गालिब रहेंगे।